हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंत तक मैं आपको 5 ऐसे पालतू जानवरों के बारे में बताने वाला हूं जिन्हें अपने ही मालिकों को खाते हुए देखा गया है, या यूं कहें कि जिन्होंने अपने ही मालिकों का शिकार किया और उन्हें खा गए। इसलिए नंबर 1 केस के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखें। नंबर 5, हैमस्टर। दोस्तों, हैमस्टर असल में चूहे की एक प्रजाति है जिसमें से लोग गोल्डन और सीरियन हैमस्टर को पालना काफी पसंद करते हैं, क्योंकि ये दिखने में काफी मासूम होते हैं और जानलेवा तो बिल्कुल भी नहीं होते। लेकिन दोस्तों, विदेश में लोगों को एक ऐसा हादसा देखने को मिला जिसने हैमस्टर के बारे में लोगों की सोच ही बदल दी। दरअसल एक दिन एक महिला जिसने गोल्डन हैमस्टर पाल रखी थी, उसकी लाश उसके ही घर में मिली और चौंकाने वाली बात ये थी कि उसका खुद का पालतू हैमस्टर उसे खा रहा था। दोस्तों, पहले तो ये अंदाजा लगाया गया कि शायद महिला की जान पहले हार्ट अटैक से हुई हो और फिर हैमस्टर ने उसे खाना शुरू किया हो। लेकिन जब पुलिस ने छानबीन की तो उन्हें महिला के चेहरे पर पंजे के निशान मिले। साथ ही जब हैमस्टर के पिंजरे को देखा गया तो उसके पिंजरे में इंसानी मांस के टुकड़े मिले, जिसने ये बात साबित कर दी कि उस महिला को हैमस्टर ने ही मारा था और फिर वो उसे खा रहा था। नंबर 4, फैमिली फेरेट। दोस्तों, फेरेट दिखने में काफी प्यारे और मासूम होते हैं, जिन्हें लगभग 2000 सालों से लोग अपना पालतू बनाकर घर में रखते चले आ रहे हैं। पर वो एक बात को नजरअंदाज कर बैठते हैं कि फेरेट्स के दांत काफी नुकीले होते हैं, साथ ही वो खून और मांस खाना पसंद करते हैं। दोस्तों, ये घटना एक ऐसे परिवार की है जिन्हें एक रात जोर जोर से अपने बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। पहले तो उन्हें लगा कि बच्चा भूख से रो रहा होगा या फिर उसके डायपर्स खराब हो गए होंगे, पर उन्होंने अपने सबसे बुरे सपने में भी ये नहीं सोचा था कि उनके 8 से 10 महीने के बच्चे को उनका खुद का पालतू फेरेट खा रहा होगा। दोस्तों, जब माता पिता बच्चे के पास पहुंचे तो फेरेट बच्चे की 10 में से 7 उंगलियों को खा चुका था। आखिरकार उन्होंने फेरेट को मार डाला और अपने बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि एक बार तो जब एक जोड़ा अपने नवजात बच्चे से मिलने कमरे में गया तो उन्होंने पाया कि उसके 3 पालतू फेरेट्स मिलकर उनके बच्चे को जिंदा खा रहे थे। दोस्तों, क्या आप कभी इतने खतरनाक जानवरों को पालने के बारे में सोच सकते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर 3, डेडली स्पाइडर। दोस्तों, मार्क जर्मनी का रहने वाला एक 13 साल का लड़का था जिसकी किस्मत इसलिए खराब हुई क्योंकि उसने खतरनाक जानवरों की फौज पाल रखी थी। वैसे तो वो ये जानता था कि ये जानवर कितने खतरनाक हैं, इसलिए वो उन्हें पिंजरे में रखता था। पर दोस्तों, एक दिन मार्क का एक पालतू जानवर किसी तरह अपने पिंजरे से निकलने में कामयाब हो गया और वो था ब्लैक विडो स्पाइडर, जिससे मार्क बाकी जानवरों की तुलना में सबसे ज्यादा डरता था। वैसे तो ब्लैक विडो के काटने से एक इंसान की मौत नहीं होती, पर इसके जहर से इंसान को लकवा जरूर मार जाता है। और दोस्तों, मार्क के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पहले ब्लैक विडो ने मार्क को डंक मारकर अपाहिज बना दिया, जिसके बाद बाकी जानवर भी पिंजरे से बाहर निकल आए और सबने मिलकर मार्क को खाना शुरू कर दिया और ऐसे मार्क की मौत हो गई। नंबर 2, वुल्फ डॉग्स। दोस्तों, सैंड्रा एक 50 साल की महिला थी जिन्होंने 9 वुल्फ डॉग्स पाल रखे थे और वो उनसे बहुत प्यार करती थी। पर ऐसा लगता है कि उनका प्यार सिर्फ एक तरफा था, क्योंकि दोस्तों एक दिन जब सैंड्रा अपनी बच्ची से मिलने अपने एक्स पति के घर नहीं पहुंची तो उनके एक्स पति उन्हें ढूंढते उनके घर पहुंचे, पर उन्हें वहां सैंड्रा नहीं बल्कि सैंड्रा का आधा खाया हुआ शरीर मिला। और सैंड्रा का ऐसा हाल करने वाले उनके खुद के 9 पालतू वुल्फ डॉग्स थे। दोस्तों, जब सैंड्रा के एक्स पति ने उन वुल्फ डॉग्स को सैंड्रा को खाते हुए देखा तो उन्होंने पुलिस को खबर की, जिसके बाद वुल्फ डॉग्स को दोबारा उनके पिंजरे में डाल दिया गया। पर आज तक किसी को ये बात समझ नहीं आई कि आखिर इन वुल्फ डॉग्स ने ऐसा क्यों किया। लेकिन इस घटना से सभी को एक सीख जरूर मिलती है कि कभी भी वुल्फ डॉग्स जैसे खतरनाक जानवरों को अपना पालतू समझने की भूल न करें। नंबर 1, बुल टेरियर।
दोस्तों ये घटना इंग्लैंड के लिवरपूल नामक शहर की है, जहां एक दिन जब एक आदमी कई दिनों तक अपने घर से बाहर नहीं निकला तो उसके पड़ोसियों को कुछ गड़बड़ लगी और उन्होंने पुलिस को खबर कर दी। दोस्तों जब पुलिस घर के अंदर गई तो पहले तो उसकी मुलाकात एक बुल टेरियर से हुई जो कि उसी आदमी का पालतू था और वो काफी कूद फाद कर रहा था। पहले तो पुलिस को लगा कि वो अपने मालिक की मौत की वजह से दुखी होकर ऐसा कर रहा है, पर जब पुलिस ने बारीकी से छानबीन की तो उन्हें पता चला कि वो अपने ही मालिक को कई दिनों से खा रहा था। जी हाँ दोस्तों, और इतना ही नहीं बल्कि वो तो अपने मालिक के कई अंगों को खा भी चुका था। तो दोस्तों इन सभी घटनाओं में से आपको कौन सी घटना सबसे ज्यादा खतरनाक लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।